बिहार चुनाव में सट्टा बाजार ने किस पार्टी पर लगाया बड़ा दांव? सट्टा बाजार के मुताबिक बिहार में किसकी बनेगी सरकार? देश के तमाम न्यूज चैनलों के साथ मिलकर सर्वे एजेंसियों ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल कराया। ऐसे में सट्टा बाजार में भी बिहार चुनाव के रिजल्ट को लेकर हलचल तेज हो गई है। सट्टा बाजार के मुताबिक इस बार बिहार में कांटे की टक्कर का पूरा पूरा अनुमान लगाया जा रहा है। सट्टा बाजार की माने तो इस बार प्रदेश में कोई भी पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नजर नहीं आ रही है। इस आंकड़े के मुताबिक बीजेपी जहां 85 से 90 सीटें हासिल करेगी, वही आरजेडी 100 से 110 सीटें हासिल करेगी, जबकि कांग्रेस 25 से 40 सीटें अपने नाम कर सकती है। यानी सट्टा बाजार के मुताबिक बिहार में महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है और आरजेडी इस बार किंग मेकर की भूमिका में दिखाई देगी। सूबे के सट्टा बाजार में चुनाव के बाद की संभावनाओं को लेकर भी पैसे खूब लगाए जा रहे हैं। बाजार के मुताबिक चुनाव के बाद आरजेडी कांग्रेस और अन्य के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। सट्टा बाजार में बीजेपी और कांग्रेस कितने सीटें जीतेगी, इस पर जबरदस्त सट्टा लगा है। बुकीज के आंकड़े के मुताबिक बीजेपी 90 सीट जीतने का भाव 2.50 रुपए यानी 1 रुपए लगाने पर 2.50 रुपए मिलेंगे, जबकि मिशन 122 हासिल करने पर 5.20 रुपए होंगे। वहीं आरजेडी के 100 सीट जीतने का भाव 3.40 रुपए है और बहुमत हासिल करने का भाव 6.10 रुपए है। सट्टा बाजार के मुताबिक बिहार चुनाव में अब तक करीब 150 करोड़ से ज्यादा का सट्टा लग चुका है। चुनाव खत्म होते ही अब लोगों की धड़कनें बढ़ने लगी है। आपको बता दें कि 10 नवंबर को वोटों की गिनती होनी है। ऐसे में सट्टा बाजार के आंकड़े कितने सही साबित होते हैं, इसके लिए तो आपको 10 नवंबर तक इंतजार करना ही पड़ेगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।